तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी ईद, और सुबह मैंने दो वीडियो डाली हैं, दोनों में मैं बोलना भूल गया था इसलिए अभी बोल रहा हूँ। तो आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑलराइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो रोमन रेंस का क्या बेबी फेस टर्न होने वाला है, इसको लेकर एक काफ़ी अजीब रिपोर्ट निकल कर आ चुकी है सामने। और असल मीन बैकलैश के मैच में हो चुकी है स्टेपलेशन एड, और मंडे नाइट रॉ में हम सभी को एक न्यू टीम आती हुई दिखाई दे सकती है। और क्या विंस मैकमैन ने माइंड चेंज कर दिया है मुस्तफ़ा अली की WWE पुश को लेकर, और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली इस वीडियो में। तो यार वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आप लोग को काफ़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार जो भी चैनल बनी है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE की फास्टेस्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, अगर 5 से 10 लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है मंडे नाइट रॉ में आने वाली एक न्यू टीम से, और यहाँ पर ये टीम और कोई नहीं हमारी डू ड्रॉप एंड निकी एश हो सकती है। और ये टीम आज WWE हिंट कर रही थी कि ये टीम बन सकती है, क्योंकि जब बैक स्टेज निकी एश बैठी हुई थी काफ़ी ज़्यादा उदास, जब वो अपनी 24/7 चैम्पियनशिप को हार गई थी, डू ड्रॉप आती है उनके पास और वो कहती हैं कि टाइम है अब कुछ नया करने का। तो यहाँ पर WWE ने हिंट दे दी है कि मंडे नाइट रॉ के अंदर एक न्यू टीम फॉर्म होने वाली है जो कि होगी निकी एश एंड हमारी डू ड्रॉप की। बाकी देखा नेक्स्ट वीक से क्या होता है इन दोनों के बीच। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है हमारी बॉबी लैचली MVP एंड हमारी ओमोस से, और ओमोस एंड लैचली का तो रीमैच होने वाला है रेसलमेनिया बैकलैश में जो कि हम सभी को पता ही है। और आज रॉ टॉक के शो में आते हैं हमारे MVP, जहां पर MVP बात करते हैं कि जो हमारे ओमोस हैं वो ख़त्म कर देने वाले हैं बॉबी लैचली को। और उन्होंने कहा कि भाई सेड्रिक अलेक्जेंडर काफ़ी बढ़िया एथलीट है, लेकिन लैचली ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि लैचली एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर का आज मंडे नाइट रॉ में मैच हुआ था। और वो कहते हैं कि बॉबी लैचली को बैकलैश का सामना करना पड़ेगा बैकलैश के अंदर। तो यहाँ पर एक वार्निंग दे डाली हमारे MVP ने बॉबी लैचली को। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी बेली से, और बेली ने मैसेज सेंड किया हमारे बियांका ब्लेयर को। और होता क्या है, जो हमारी बियांका ब्लेयर हैं वो एक ट्वीट करती हैं जहाँ पर वो कहती हैं कि भाई आस्का आज उनके साथ होने वाली हैं। और वो ट्वीट आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जहाँ पर उन्होंने ये कुछ लिखा है ट्वीट पर। तो यहाँ पर जो हमारी बेली हैं वो बियांका ब्लेयर को मेंशन करते हुए कहती हैं यू आर वर्स्ट। तो भाई पता नहीं बेली क्या ही कर रही हैं, और WWE उनका रिटर्न कब तक करवाएगी, और जल्दी करवाए तो ठीक है, नहीं तो फैंस क्या पता इंटरेस्ट ना खो दें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है रेसलमेनिया 38 के एक मैच से, जिसमें WWE ने कर दिए स्टिपुलेशन ऐड। अब होता क्या है, आज मंडे नाइट रॉ में एक मैच होता है एज स्टाइल्स एंड डेमी प्रीस्ट का, और अगर उस मैच को एज स्टाइल्स जीतते तो डेमी प्रीस्ट एज एंड एजे के मैच से बाहर हो जाते हैं रिंग साइड से। और यहाँ पर वही चीज़ हुई है, क्योंकि एज स्टाइल्स ने हरा दिया डेमी प्रीस्ट को, और यहाँ पर अब इस मैच में रिंग साइड में नहीं रहने वाले हमारे डेमी प्रीस्ट। तो एक ही स्टिपुलेशन भी ऐड कर दिए WWE ने। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी रॉडरिक स्ट्रॉन्ग से, और रॉडरिक स्ट्रॉन्ग के बारे में मैंने आप सभी को सुबह ये भी अपडेट दी थी, और एक और अपडेट निकल कर आ चुकी है सामने उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डेव एल्जर बात करते हैं अपने रिसेंटली इंटरव्यू में, जब वो बात करते हैं कि अभी रॉडरिक स्ट्रॉन्ग के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका भी कुछ साल और हैं, और रॉडरिक स्ट्रॉन्ग तो अभी जाना चाहते हैं WWE कंपनी से, क्योंकि उनकी वाइफ भी AEW में है, उनके फ्रेंड्स भी AEW में है, और करंटली उनका कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, ना ही उनको डाला जा रहा है मेन रोस्टर में, और उनकी बुकिंग भी NXT पर इतनी कुछ खास नहीं हो रही है। तो यहाँ पर रॉडरिक स्ट्रॉन्ग के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी कुछ सालों तक और है, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़े हमारी मुस्तफ़ा अली एंड विंस मैकमैन से, और क्या विंस मैकमैन ने छोड़ दिया है कि मुस्तफ़ा अली को हम पुश करेंगे, तो इसको एक रीज़न निकल कर आ चुके हैं सामने कि विंस मैकमैन अभी और कुछ हफ्ते देखेंगे मुस्तफ़ा अली को, कि फैंस उनके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तभी WWE सोच रही है उनको सिंपैथी दिलाने की। और ऐसे नहीं कि भाई विंस मैकमैन ने गिव अप कर दिया है, क्योंकि विंस मैकमैन अभी देख रहे हैं धीमे धीमे कि मुस्तफ़ा अली को कैसे रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन आज जो रॉ में हुआ वो किसी को पसंद नहीं आया, जब जो हमारे मुस्तफ़ा अली हैं वो आज मंडे नाइट रॉ में 3 मिनट के मैच में हार गए, क्योंकि आज एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच हुआ था ऑस्टिन थ्योरी एंड मिज वर्सेस हमारे मुस्तफ़ा अली के बीच। तो यहाँ पर इस मैच में मुस्तफ़ा अली को हार का सामना करना पड़ा था। बाकी देखो यार आने वाले टाइम में मुस्तफ़ा अली की बुकिंग कैसी होती है, लेकिन जस्ट विंस मैकमैन अभी टेस्ट कर रहे हैं मुस्तफ़ा अली को। और अब फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग आज के हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की, जो कि जुड़ी हमारी द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस से। और क्या रोमन रेंस का होने वाला है वेबी फेस टर्न, इसको लेकर WWE हिंट करती है। और मैंने आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला ना कि भाई
भाई मुझे इसमें थोड़ा अजीब सी रिपोर्ट लग रही है। तो यहाँ पर अजीब सी रिपोर्ट यही है wrestlingco.com की तरफ से। और भाई यही हिंट है कि WWE रोमन रेंज को एक हील तो दिखाना चाह रही है, बट टेलीविज़न पर उनको एक मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा है। और WWE रॉ एंड स्मैकडाउन के शो में फेक बूस्ट भी ऐड कर रही है, फेक बूस्ट वाले साउंड ऐड कर रही है। तो आज मंडे नाइट रॉ में जैसी होती है रोमन रेंज की एंट्री, वहाँ पर रोमन रेंज को काफ़ी तगड़ी वाली चेयर मिलती है। हाँ, थोड़ी बहुत बू भी मिलती है, लेकिन उसमें चेयर ज़्यादा ऐड थी। और WWE इस चीज़ को पोस्ट भी करती है अपने ट्विटर अकाउंट पर ग्रेट कुछ करके। और WWE ने हिंट कर दिया आज के मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंज का बेबी फेस टर्न, और वो बीच बीच के लाइव इवेंट में कुछ ऐसे टर्न कर लेते हैं, मतलब थोड़ा बेबी फेस टाइप से टर्न कर लेते हैं, जिससे फैंस को लगता है कि रोमन रेंस का होने वाला है बेबी फेस टर्न। बाकी आप लोग बताइए, जो कैरेक्टर है रोमन रेंस का अभी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, या फिर उनको बेबी फेस में तब्दील कर देना चाहिए? मुझे तो अभी रोमन रेंस काफ़ी पसंद आ रहे हैं। सो वेल, हमारी जो आज की वीडियो थी वो वहीं तक इतनी। अगर पसंद है तो लाइक बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। सो वी विल सी माई नेक्स्ट वीडियो। Bye-bye.